नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। चुनावी दंगल का आखिरी दौर आते आते ऐसा लग रहा है कि लड़ाई एक बार फिर से हिंदुत्व बनाम जातीय समीकरण की हो गई है, और इसीलिए इंडी गठबंधन के लोग जहां ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगली बार फिर से सरकार आई बीजेपी की तो आरक्षण और संविधान दोनों को खतरा है, जबकि बीजेपी इसकी काट मुस्लिम आरक्षण में तलाशने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर शाह तक और नड्डा से लेकर योगी तक सब लोग एक सुर में और पूरे जोर जोर से बात कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में इंडी गठबंधन के लोगों की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे कि पिछड़ों का हक मार के और मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। तो सच क्या है? क्या वाकई इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि पिछड़ों की हकमारी करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, या वाकई ये खतरा सच है या खतरा वाजिब है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी या संविधान में बड़ा फेरबदल कर देगी? क्या है सच, जानने की कोशिश करेंगे, इस बहस में इस सवाल को लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका कि देना है आपको जवाब और जिसके जरिए घूमेगा आज देश का मूड मीटर। और ये मूड मीटर कैसे घूमता है, ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई देता है उसको आपको स्कैन करना होता है, और जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाती है, उसमें अपना जवाब भर के आपको सबमिट करना होता है। और जो लोग यहाँ कार्यक्रम स्थल पर आज मौजूद हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। आपके चारों तरफ है जो प्रिंट कराकर हमने लगाया हुआ है, जो देखा आप देख सकते हैं कि जो QR कोड है इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको भी वही सवाल मिलेंगे और उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो आपके सामने जो सवाल है आज वो हम सवाल बता रहे हैं। सवाल नंबर एक, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पूर्वांचल कितना असर पड़ेगा पूर्वांचल में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का? और इस पर ऑप्शन ए पहला है आपके पास कि राहुल अखिलेश को बड़ा नुकसान होगा, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी है कि पूर्वांचल में NDA क्लीन स्वीप करेगी, और तीसरा मुस्लिम आरक्षण मुद्दा ही नहीं है। क्या सोचते हैं आप, हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सवाल नंबर दो दिखाइए। दूसरा सवाल यह है कि अयोध्या और काशी के बाद अब जो मथुरा की बात हो रही है उसका इस चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? और इसके ऑप्शन है कि NDA को फायदा होगा, ऑप्शन बी है राहुल अखिलेश को नुकसान तय है, और ऑप्शन सी है कि मथुरा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या सोचते हैं आप, जल्दी जल्दी स्कैन करिए और बताना शुरू करिए। और एक बार जल्दी से तीसरा सवाल भी दिखा दीजिए। सवाल नंबर तीन, पूर्वांचल में इस बार कास्ट फैक्टर कितना हावी है और ये कितना असरदार होगा? और इसका ऑप्शन है राहुल अखिलेश को जातीय फैक्टर का फायदा मिलेगा, जातीय समीकरण का फायदा मिलेगा, ऑप्शन बी है धर्म जाति नहीं बल्कि धर्म इस बार मुद्दा है, और ऑप्शन सी है कि जाति और धर्म कोई मुद्दा नहीं है बल्कि विकास मुद्दा है। तो क्या सोचते हैं आप, जल्दी से हमें बताइए। और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान यहां जुड़े हुए हैं, एक बार आपसे पहले उनका परिचय करा दें। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के सत्येंद्र सिंह हैं हमारे साथ, प्रीति पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता हैं, और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी, क्या ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पिछड़ों का हक मार के और अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उसको आरक्षण बांटना चाहती है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? ये आरोप एकदम बेबुनियाद, बेसिर पैर का, झूठा, मनगढ़ंत और षड्यंत्र पूर्वक लगाया गया है। इसमें कहीं बाल भर भी कहीं कोई सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन तो ये चाहता है कि पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए, और इसके लिए एक बार जाति जनगणना कराई जाए और पिछड़े वर्गों की जितनी आबादी है उतने परसेंट उन्हें आरक्षण दिया जाए। ये जो 50% की सीमा इसे बढ़ाया जाए, अर्थात समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चाहता है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि कितनी अच्छी बात हो उसमें झूठ बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, गुमराह करेंगे, जो ये बात ये कहते हैं। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई नहीं है क्या राजकुमार भाटी, कि कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की कोशिश की, बावजूद इसके कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है
संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी इस तरीके से प्रावधान करने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में तो इस तरीके से, इतने अवैध तरीके से घुसपैठ कराई गई मुस्लिम जातियों की ओबीसी लिस्ट में कि हाई कोर्ट को उसे खारिज कर देना पड़ा। 2010 के बाद 108 जातियां मुसलमानों की डाल दी गई ओबीसी लिस्ट में, जिसे कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या ये आरोप सही नहीं है? कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था की जेडीएस ने, आंध्र प्रदेश में जो उसकी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उन्होंने की, ये दोनों पार्टियां कर्नाटक में कांग्रेस ने। मैं अंशु अवस्थी से इसका जवाब लूंगा। अंशु अवस्थी ने उसका, लेकिन मेरे जवाब सुन ले आप। हाँ। गलत हो तो आप उसका खंडन करना। कर्नाटक में जेडीएस ने व्यवस्था की, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने की, दोनों पार्टियां एनडीए में मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। अब जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में मुसलमान के लिए आरक्षण नहीं दिया गया, पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया। मंडल आयोग में साफ लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वेक्षण के आधार पर किसी जाति को निकाला भी जा सकता है, किसी जाति को शामिल भी किया जा सकता है। और मंडल में पहले से लेकिन उसका तरीका हुआ। लेकिन उसका तरीका क्या था? 15 सेकंड रुके, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। शुरू से जब से मंडल लागू हुआ तब से ही मुसलमानों की बहुत सी जातियां, लुहार, बढ़ई, नाई, धोबी, कुम्हार, ये जो पिछड़ी जातियां हैं वो मंडल में पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। तो उसका उसको ये कहना कि मुसलमानों को दे दिया। हाँ। वो पिछड़े वर्गों, उसका मानक है जो शैक्षिक और सामाजिक रूप मानक से पिछड़े। आपने ठीक कहा, आपने मानक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। हाँ, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, ये आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक मिनट, कर्नाटक जो पश्चिम बंगाल में जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई, बिल्कुल उसमें आधार ये लिया है कि इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से सर्वेक्षण नहीं कराया, इसलिए गलत है। हाँ। उसे मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये भी आप समझें कि गुजरात में जो माननीय मोदी जी की जाति ओबीसी में शामिल की गई थी, उसमें भी पिछड़े वर्ग का सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। पिछड़े वर्ग आयोग उसको आप चुनौती दे सकते हैं, आधार पर चुनौती दे सकते हैं आप, उसी आधार पर वो भी कैंसिल हो जाएगा, उसको चुनौती दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई कोर्ट जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। सत्येंद्र सिंह भाई, ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो आरक्षण को भी खतरा है और संविधान को भी खतरा है। देखिए, ये सब जो है समाजवादी पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन, ये सब केवल अफवाह फैला रही हैं। बात होनी चाहिए विकास की। धर्म के आधार पे हम देश को नहीं बांट सकते। और रही जो है ये आरक्षण का, तो हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने बार बार बयान दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अभी प्रचार में कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में पर्चा बांटा जा रहा है कि जो है अगर सरकार हमारी बनती है तो मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे। ठीक है, अंशु अवस्थी, आज जब हम लोग यहाँ इस समय ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे थोड़ी दूरी पर ही अभी मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम में, उसी सभा में उन्होंने कहा है कि जो काशी के मन में है वही यूपी के मन में है और वही पूरे देश के मन में है। और काशी ने तय कर लिया है कि एक बार फिर से योगी, और देश ने तय कर लिया है कि इस बार मोदी को 400 पार करा देना है। ये हाँ। रंजीत जी, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की? उन्होंने ही तो कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, 100 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे, काला धन लाएंगे, उन्होंने ही बातें कही थी। और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को स्थायी करेंगे। अपने ट्विटर हैंडल से कहा था कि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाएंगे। तो कौन सी बात सही मानी जाए उनकी? ये बात सही मानी जाए, वो बात सही मानी जाए? नहीं तो दूसरा नहीं, नारों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे नारे दिए, गरीबी हटाओ की बात हुई और अभी तक राहुल गांधी उसी गरीबी हटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए, आपकी दादी ये नारा देकर गई थी। आपका प्रयास तो वो नारों की बात नहीं करें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई समीकरण की बात करें, 400 पार जो कह रहे, जो योगी कह रहे हैं, या जैसा कि आपके नेता और आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 400 प्रहार। हाँ देखिए, हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि संविधान बदलने जा रही बीजेपी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। 400 कौन मांग रहा है? भाजपा वाले। गिरिराज किशोर क्या उनके मंत्री नहीं है? उन्होंने कहा संविधान बदलेंगे। गिरिराज सिंह, लल्लू सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा हम संविधान बदलेंगे। दिव्या कुमारी, पूरी श्रृंखला है ऐसी, अनंत हेगड़े, तमाम लोग, क्या भाजपा ने उन पर कोई कार्रवाई की क्या? हम तो ये कहते हैं कि अगर आप संविधान के साथ हैं तो जो भी संविधान विरोधी बातें कर रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
आप हम पर सवाल कर रहे हैं कि भ्रम फैला रहा है। आप 400 मांग रहे हो और आपके नेता कह रहे हैं कि 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदलना है। संविधान बदलना है, आरक्षण समाप्त करना है, उनकी पार्टी पर सवाल कर रहे हैं। पार्टी में क्या है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जो कह रहे हैं उसको कितनी संजीदगी से लिया जाए अपने आप में भी एक सवाल है। प्रीति पांडे, एक तरफ ये माहौल बनाया जा रहा है कि संविधान और आरक्षण दोनों खतरे में है। मैं कह रहा हूं कि माहौल, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि माहौल बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि शायद ये हकीकत नहीं है। आप क्या सोचती हैं? हाँ नहीं, आप बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं या हम और दूसरे मुद्दों पे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन जिन एमपीज मिनिस्टर्स का नाम लिया जा रहा है, देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है, देश की जनता ने हमेशा अपना विश्वास प्रधानमंत्री पे दिया है। तो आज अगर कहीं पे भी होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कुछ कहते हैं तो हमें उसको ध्यान रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। बिहार की रैली में उन्होंने ये कहा, सुन भाई साहब, आपका नाम प्रीति पांडे नहीं है, आपका नाम प्रीति पांडे नहीं है भाई साहब, भाई साहब नाम का बदला आपने, भाई साहब आपने अपना नाम का बदला, मेरा नाम प्रीति पांडे। अरे प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था काला धन लाएंगे, लाल प्रधानमंत्री ने कहा था और किसी ने नहीं कहा था। वो बात आप कह रहे हैं, कह चुके हैं एक बार, बीजेपी के दो दो तीन तीन समय का भी हक मार रहे हैं, सच नहीं हो जाएगा। दूसरों का हक मारने की आदत है इन लोगों को 70 सालों में, इसलिए मेरा समय जो बोलने का है वो भी मार लेंगे। सच नहीं हो जाएगा। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं काशी की बेटी हूँ, काशी में जन्मी हूँ, सुनिए सुनिए, काशी की बेटी हूँ, काशी में जन्मी हूँ, 17 वर्षों से दिल्ली में हूँ और मैंने बनारस ये 17 सालों में जो विकास और पिछले 10 वर्षों में जो चेंज देखा है वो मैंने बनारस में कभी नहीं देखा है। चाहे वो मंडवाडी स्टेशन हो, चाहे वो कैंट रेलवे स्टेशन हो, जहाँ पे मंडवाडी स्टेशन पे ना गोबर तैरता था भाई साहब, आज उसको लोग वीआईपी ट्रेन बोलते हैं, वहाँ पे आज वीआईपी ट्रेन जाके रुकती है। हमने कभी रेलवे स्टेशन पे ट्रैक नहीं देखे थे, यहीं से शिक्षा दीक्षा हुई है, विदेश से नहीं आई हूँ मैं, इसलिए बनारस का विकास है जिसको नहीं दिखता। और सुन लीजिए, बनारस का विकास जिसको नहीं दिखता उसको मोतिया बिंद उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत है। काशी की बेटी से जब बीएचयू के अंदर बेटियों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी तो ये काशी की बेटी कहां पर थी? तैयार है जवाब, जब बीजेपी के कार्यकर्ता उस घटना में शामिल थे, क्या इन्होंने कितना बड़ा आंदोलन किया उन बेटियों के लिए? संदेश खाली में इन्हीं की दीदी के पार्टी के लोग जब लड़की उठा लेके जाएंगे तो ये चुप रहेंगे, दीदी से सवाल नहीं पूछेंगे, दीदी से इतना डरते हैं कांग्रेस वाले कि दीदी से सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार में घटना हो रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है, खाली दिख रही है। अरे भैया, आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, अंशु, आज संदेश खाली क्यों नहीं गए? प्रियंका जी संदेश खाली क्यों नहीं गई? अरे भाई, मैं तो जाती हूँ, मैं तो हर जगह जाती हूँ, जहाँ पर देश की बहन बेटियों के उनके अंगों से छिड़वाड़ किया गया, खिलवाड़ किया गया, उनके साथ रेप किए गए, क्यों नहीं गए प्राइम मिनिस्टर? पूछूंगी कि टीएमसी के कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं और लड़कियां उठा ले जाते हैं, एजेंडा चलाएंगे। मणिपुर जाइए लेकिन संदेश खाली भी जाइए। मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री, निंदा करिए। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, आप निंदा करिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं निंदा करता हूं, जहां पर घटनाएं हुई वहां नहीं जाना चाहिए, निंदा करिए आप। एक बार जरा लोगों की राय भी शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। हमने जो सवाल किए थे उसका जवाब भी एक बार दिखाने का वक्त आ गया है। अगर कुछ रुझान आए हो तो दिखाइए लोग क्या कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में। हमने जो सवाल पूछा था, जरा सवाल आज जो सवाल नंबर एक जो हमने पूछा, जरा उसको दिखाइए, उसके बाद लोगों की राय भी इसमें शामिल करेंगे। तो मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे पूर्वांचल पे इसका कितना असर पड़ेगा, मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है उसका पूर्वांचल पे कितना असर पड़ेगा चुनावी राजनीति पे? और इसमें करीब 42% 42% लोग कह रहे हैं कि राहुल अखिलेश को बड़ा नुकसान होगा और पूर्वांचल में एनडीए को क्लीन स्वीप करेगी, ऐसा मानने वाले लोग करीब 50% लोग हैं, और 7% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण मुद्दा ही नहीं है। तो ये है लोगों की राय। लोग क्या सोचते हैं जरा बताइए आप, क्या मुसलमानों का आरक्षण मुद्दा है पूर्वांचल में या इस देश की चुनावी राजनीति में? मुस्लिम आरक्षण का कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं लागू होगा, न उसका कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। पूर्वांचल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत के आ रही है। अच्छा, तो ये पूरे पूर्वांचल के लिए? जी पूरे। अच्छा ठीक है। हाँ, विषय बहुत गंभीर है, आर्थिक
आतंकवाद ने जिस तरह का तांडव फैला रखा है राजीव भाई, थोड़ा धैर्य से सुनेंगे। सच्चाई ये है कि मुद्दा ना मुसलमान है ना मुद्दा हिंदू है, मुद्दा है पीड़ित और परेशान। यदि नेतृत्व स्वस्थ है, ये बीमार नेतृत्व खड़ा है मंच पर, ए टू जेड बीमार है। यदि वास्तव में पब्लिक का जनगण मन पूछना चाहते हो तो सच्चाई ये है कि ए टू जेड नेतृत्व कंपैक्ट यूनिट है, गिरोह है ये डकैतों का, चोर चोर मोसेरे भाई खड़े हैं ये सब। ये नहीं, सारे नेताओं के लिए कह रहे हैं, सारे ए टू जेड अपराधी है सब। भाई साहब, मैं यही लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि राष्ट्र को प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम तो राष्ट्र को प्राथमिकता कौन दे रहा है? आप जो भी वोटर्स हैं वो राष्ट्र को प्राथमिकता, अच्छा वोटर्स प्राथमिकता दें, पार्टी में कौन प्राथमिकता दे रहा है? पार्टी में तो आप लोग देख ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अपनी जी जान लगा चुके हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और इंडिया गठबंधन के लोग नहीं राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं? अब वो तो जनता बताएगी अपने वोटों से। तो जनता क्या बता रही है वोटों से, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। सवाल हमने दिखाया, सवाल नंबर एक का जवाब, आगे भी हम सवाल लेते रहेंगे और लोगों के जो जवाब हैं वो हम इसमें शामिल करते रहेंगे। एक बार आगे बढ़ते हैं। आज वाराणसी के पास ही बलिया में योगी की एक दूसरी सभा थी और वहां से जो उन्होंने बात कही है वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग न तो अयोध्या गए थे और न वो मथुरा जाएंगे। अगर मथुरा कोई पार्टी जाएगी तो हम ही जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा। ये राजकुमार भाटी, रंजीत जी, अयोध्या से किनारा किया, मथुरा से भी किनारा कर रहे हैं आप। टाइम्स नाउ बहुत बड़ा समाचार ग्रुप है और आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन आपके सर्वे के सवाल देख के मेरा तो सिर चकरा गया। ये कौन सा सर्वे, इसके पीछे क्या सोच है? सवाल नंबर एक है, क्या इस मुद्दे से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? दूसरा सवाल है, क्या इससे एनडीए को फायदा होगा? अब मैं अगर आपसे पूछूं रंजीत भाई कि मैं सच बोल रहा हूं या आप तीसरे की बात ही नहीं करेंगे? तीसरा भी सवाल पूछूं और तीसरा भी तो कि मैं सच बोल रहा हूं या आप झूठ बोल रहे हो? तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं चुन सकते हैं आप? तीसरा ऑप्शन भी था, चुनने वालों ने 8% में वो भी चुना है। राजकुमार, ऑप्शन ए क्या राजकुमार भाटी सच बोल रहा है, ऑप्शन बी क्या रंजीत कुमार झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप एक ऑप्शन चुने। हाँ, और ये नहीं, तीसरा ऑप्शन और भी है। आप दो ऑप्शन की बात क्यों करते हैं? आप तीसरे ऑप्शन पर क्यों नहीं जा रहे हैं? इतने बड़े समाचार ग्रुप को नहीं करनी चाहिए, ये छोटे मोटे लेवल पे चले तो ठीक है। जिन आठ परसेंट लोगों ने जो जवाब दिया उसकी भी तो बात करिए। मैं आता हूँ मुद्दे पे। हाँ आइए। अभी सत्येंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि राजनीति और चुनाव विकास के नाम पे होना चाहिए, धार्मिक मुद्दों पर नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम माननीय मोदी जी के भाषण अगर सुने, वो तो विकास का वे भी नहीं बोल रहे, वो तो शुरुआत उन्होंने की मछली से, फिर मछली मटन मुगल मुसलमान मुजरे पे आ गए, मंगलसूत्र, वो तो विकास की कोई बात ही नहीं कर रहे। ये विचारधारा अगर फैलती है तो ऊपर से फैलती है। नहीं, मथुरा पर क्यों नहीं पहले ऊपर? हाँ, मथुरा भी उसी में। हाँ, तो मथुरा की भी बात करिए ना, मटन मुसलमान मथुरा मंगलसूत्र। तो अयोध्या और मथुरा से इतनी दूरी क्यों है भाई? नहीं, कोई दूरी नहीं। अयोध्या और मथुरा हमारे दिल में बसते हैं, राम और कृष्ण हमारे दिल में बसते हैं, राम और कृष्ण इस देश के जननायक हैं, नायक हैं। और लोगों की भावनाओं का क्या? अगर इस देश के लोगों की भावनाएं अगर उनसे जुड़ी हुई है और चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, तो उस इंसाफ की लड़ाई में आप क्यों शामिल नहीं है? देखिए, धर्म आदमी को सच्चाई का रास्ता दिखाता है, ईमानदारी का रास्ता दिखाता है, भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता है। इंसाफ भी सिखाना चाहिए। धर्म की आड़ लेके इंसाफ भी तो सिखाना चाहिए ना। फैलाना चाहे, इंसाफ भी सिखाना चाहिए कि नहीं? उसका विरोध करना चाहिए, सुनिए, आपको भी और मुझे भी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट के लिए, हाँ, लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, उन्माद फैलाना, ये देश का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, और ये बातें कौन कह रहा है? और पीछे जा रहा है, सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले लोग रामकृष्ण की यहाँ बात कर रहे हैं। रामकृष्ण दिल में रहते हैं, लेकिन कोर्ट की जब बारी आएगी तो 22 वकील लगा देंगे, उसका भी जवाब दे देंगे अगर समय देंगे ना बन पाए तो। कैसे आपके राम दिल में राम मंदिर बसता है भाई? आप ये सिर्फ इतना बता दीजिए काशी की जनता को कि मथुरा में अगर मथुरा की लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर मथुरा के इंसाफ की बात आएगी तो क्या सपा और अखिलेश यादव जी वहाँ पे डट के खड़े होंगे कि नहीं, हम यदुवंशी और हम मथुरा की लड़ाई लड़ेंगे? आप करेंगे ऐसा?
इंसाफ तब आप ज्ञान देंगे। हाँ बताओ, आप ज्ञान देंगे। आपने बहन सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। इंसाफ सड़कों पर नहीं मिलता, इंसाफ न्यायालय में मिलता है। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा आप न्यायालय में जाइए, हम आपके साथ हैं, हम विरोध नहीं करेंगे। मतलब और आप हम, सड़कों पे अगर दंगे कराना चाहते हैं, इंसाफ के नाम पर अगर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी को मध्यकाल में बहुत हो गया। राजकुमार भाटी और अंशु अवस्थी से ये सवाल होगा कि भाई तो राहुल गांधी और आपके आपके नेता सड़क पे क्यों उतर रहे हैं, उनको न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तक? भाई अगर न्याय अगर कोर्ट में मिल रहा है तो इतनी लंबी न्याय यात्रा करने की जरूरत क्या थी? के खिलाफ हम तो चुनाव वोट मांगने के लिए उतर रहे हैं। चुनाव में तो वोट मांगी जाएगी, न्याय यात्रा क्यों कह रहे हैं? न्याय न्याय कोर्ट में जाना चाहिए था भाई, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। अच्छा, किसी वर्ग के खिलाफ थोड़ी है, ये किसी धर्म के खिलाफ थोड़ी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सारा इंसाफ अगर कोर्ट में ही हो सकता है तो राहुल गांधी को न्याय यात्रा करने की जरूरत क्या थी? ये तो कानून बनाते हैं जो चुने जाएंगे, जो 4 तारीख को निर्वाचित होंगे सांसद, यही तो कानून बनाते हैं। इनमें भी तो अच्छे लोगों को जाना बहुत जरूरी है। तो फिर तो होना तो फिर अगर लोग फिर अगर बीजेपी के लोग अगर जनता के बीच में मुद्दे लेकर जा रहे हैं तो आपको क्यों इतराज है? इसमें गलत नहीं मानते कि धार्मिक लोग, मेरे गलत और सही मानने का सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वही बात मैं दूसरी पार्टी पर लागू कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं? आप इसमें फर्क है, क्या फर्क है बताइए आप? ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ माहौल चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, आप राम पे विश्वास नहीं करते? किसी वर्ग विशेष के खिलाफ खिलाफ क्यों? जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम सर्वे कराकर और हम संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, तो वो वहाँ पर एक वर्ग के खिलाफ और दूसरे वर्ग के पक्ष में नहीं कह रहे क्या? क्या देश के गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, होना चाहिए? क्या देश के गरीबों की गरीबी दूर नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल सही। तो ऐसे ही क्या हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? तो क्या हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर मोदी जी 25 लाख, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, का माफ कर सकते हैं तो क्या गरीब किसानों का बिल्कुल मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। गरीबों को पिछड़ों को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन क्या हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? फिर आप ये कहो कि राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, लीजिए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा सवाल, भाटी भाई आपने बड़ी डिबेट मेरे साथ की है, बड़े भाई हैं आप मेरे, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि अयोध्या का मुद्दा देश का मुद्दा था कि नहीं? और जो लोग यहाँ पे अपने घर में सब रामायण सुनते हैं, बाहर आके लेक्चर देते हैं कि नहीं जी यू स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। अयोध्या के मुद्दे पे शुरू के दिन से हमारा ये वो था, मानना था। आप पुराने बयान उठा के देख लें, अखबार उठा के देख लें, कहीं भी हमने कहा या तो ये मुद्दा आपसी सहमति से हल हो या न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम ये नहीं चाहते थे जो तलवार और त्रिशूल लेके और डंडा लेके सड़कों पर निकलते थे। कुछ और सवाल हमने पूछे थे लोगों से और उसके भी रुझान आ रहे हैं, उसके भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस सवाल पे भी आएंगे। लेकिन वो सवाल जो हमने लोगों से पूछा था उसका जवाब आ गया है, जरा देखते हैं, रुझान देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के मुद्दे का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये हमने सवाल किया था। और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, करीब 82% लोग कह रहे हैं कि एनडीए को इसका फायदा होगा, राहुल अखिलेश को नुकसान तय, ऐसा मानने वाले लोग करीब 13% हैं, और मथुरा मुद्दा मायने नहीं रखता, ये 4.9 यानी कि करीब 5% है। भाटी साहब ये आपके लिए है, अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन 3 भी आप चुन सकते हैं, है ना? कह रहे थे कि आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। जनता की राय सिर माथे पर, जनता जनार्दन। तो ये 5% लोग कहते हैं कि मथुरा का मुद्दा मायने नहीं रखता, बाकी के 95% किधर है वो हमने आपको बता दिया। जरा सवाल नंबर तीन का भी जरा रुझान दिखाइए, क्या कह रहे हैं लोग? और सवाल हमने पूछा था, जरा दिखाइए सवाल नंबर 3 जल्दी से, कि इस बार जो आखिरी फेज का चुनाव है या पूर्वांचल का चुनाव है उसमें कास्ट फैक्टर कितना बड़ा रोल अदा करेगा, कितना अहम फैक्टर है, ये हमने पूछा था। और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए, इस सवाल के जवाब में अभी जो रुझान आए हैं वो बताते हैं कि करीब जातीय समीकरण से इंडी को फायदा, ऐसा मानने वाले लोग 8.5% लोग हैं, जाति नहीं धर्म मुद्दा है, ऐसा मानने वाले लोग 23% हैं, और 68.5% लोग कह रहे हैं कि जाति धर्म दोनों में से कोई मुद्दा नहीं, विकास सिर्फ मुद्दा है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की राय देखिए आ गई। आप कह रहे थे कि ये लोगों की राय नहीं, भाई लोग कह रहे हैं कि विकास मुद्दा होना चाहिए।
आप जाति पे लड़ रहे हैं, वो धर्म पे लड़ रहे हैं। सारी बात मैंने मान ली। हाँ हाँ, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पर थे, तब इन्हें 31% वोट मिला, तब इन्हें 31% वोट मिला देश में, 69% वोट इनके खिलाफ पड़ा। हाँ। लेकिन आपके सर्वे में हम हमेशा 70-80% मिलता है, पता नहीं ये सर्वे कहाँ होते हैं, समझ में नहीं आता। कमेंट, हाँ। जी, आप किस सवाल का जवाब चाहते हैं मुझे बता दीजिए। मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि विकास पे आपने विकास मुद्दा है, आपने 3-4 सवाल पूछे, किस सवाल का मुझसे जवाब चाहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं विकास मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि जाति मुद्दा है, जातीय समीकरण ला रहे हैं। आपका ये मैंने ट्विटर हैंडल खोला है, ठीक है, आपने जो सवाल किए हैं, मैं चाहता हूं ये क्लिप काटी ना जाए टाइम्स नाउ नव भारत से। हाँ। कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पूर्वांचल में कितना असर होगा। हाँ। आपके ट्विटर हैंडल पे मात्र 1,00,000 लाइक आया है, सिंगल ट्विटर हैंडल से नहीं साहब, हम हमारे लोग लाइव वोट करते हैं। अरे मैं ट्विटर पे वोट नहीं करते, ट्विटर पे भी चल रहा है आपका, ट्विटर पे वोट नहीं करते, माफ करिएगा, आप बोल रहे थे QR कोड स्कैन करते हैं, टीवी पे जो QR कोड दिखाई दे रहा है वहां से लोग स्कैन करते हैं, आप बोल रहे थे, मैंने बोला, आप लोगों को भ्रम में मत डालिए, पोल खुल रही है, आप सुनना नहीं, नहीं कोई पोल नहीं खोल रहे हैं श्रीमान, आप गलत बयान कर रहे हैं। एनडीए को फायदा होगा कि नहीं होगा, एक भी लाइक नहीं आए मेरे सामने। भाई मैं कह रहा हूँ कि ट्विटर पे ये लाइव है, ट्विटर पे पोल नहीं चल रहा है श्रीमान, मैं आपको बता दूं ट्विटर पे पोल नहीं चल रहा है। अंशु अवस्थी, मुद्दे क्या है देखिए, अगर आप गलत प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, नहीं आप सही प्लेटफॉर्म चूज करिए, सामने QR कोड है, स्कैन करिए और जवाब दीजिए, आपका जवाब दर्ज हो जाएगा। रंजीत भाई मैं बता दूं, मैं नंबर के साथ कंफर्म कर रहा, राहुल गांधी देश की बेहतरी की बात करते हैं इसीलिए वो रोजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए वो महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर जवाब देना है तो दीजिए, वरना देश की समस्याओं को समाप्त किया जाए, किसानों की बात कर रहे हैं इसलिए उन्होंने यात्रा की, ठीक है। दूसरा नहीं, मैं मोदी कह रहा जी, भाई आप भाई मेरी बात तो आ जाए, नहीं, नहीं आपकी बात करनी है तो फिर आप करो, मैं कह रहा हूँ आप जो मैंने बोल सवाल किया आखिर में उसका जवाब दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सवाल आपका होगा, जवाब मेरा होगा, आप जल्दी से करेंगे, मैं क्या बोलूंगा। मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में मछली मटन मीट की बात हो, उनकी 10 साल की सरकार के बाद। कोई नौजवान ये सवाल न करे कि 22 साल में नौजवान क्यों रिटायर किया जाएगा और 73 साल के मोदी जी को बार बार मौका क्यों चाहिए, ये सवाल न हो, ठीक है। वो बार बार ये बात कर रहे हैं, आपकी आप बात आ गई, वो नहीं चाहते हैं कि किसानों की बात, ठीक है ठीक है, लेकिन देश का मैं आपको देश समय, समय लिमिटेड है अंशु अवस्थी, वक्त अब और नहीं है हमारे पास, वक्त अब और नहीं है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि देश का मूड मीटर में आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनके नाम अनाउंस करने के, मोबाइल नंबर के साथ अनाउंस कर रहा हूं अंशु अवस्थी आपके लिए। अभिषेक तिवारी वाराणसी के हैं और आकाश सिंह वाराणसी के हैं, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमारे स्क्रीन पे है। इसके अलावा लालचंद सोलंकी कर्नाटक और अभा कुमारी बिहार की, इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट जो है हमारे स्क्रीन पे है, इनको आज मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।